झुंझुनू के बुहाना से है, जहां भालोट के मैनपाल शूटर के भाई की हत्या के मामले में पचेरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने हत्या के आरोप में पड़ोसी मनोज उर्फ लक्ष्मी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पचेरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा पुलिस ने किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी को लिया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। मामले में पचेरी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी मनोज उर्फ लक्ष्मी को गिरफ्तार किया है। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है पुलिस ने, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। तो वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुजीत, क्या कुछ अपडेट है? आशीष, बिल्कुल आपको बता दूं कि झुंझुनू है अंदर बुहाना बालोट का पूरा मामला है, जिसके अंदर ब्लाइंड मर्डर का पूरा मामला है, जिसके अंदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी, सफलता के अंदर पुलिस ने शूटर जो मैनपाल है उसके भाई राजेश की जो हत्या का जो मामला था, उसमें आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें पता लगा कि पुरानी रंजिश के चलते उसने यह हत्या की थी और पुलिस ने आरोपी को आज कोर्ट के अंदर पेश किया। जी, किस बात की रंजिश थी पुरानी, इस बात को लेकर के कुछ खुलासा हुआ हो पाया है? जी आशीष, बिल्कुल अभी इस बात को लेकर पूरा खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है कि पीछे रिमांड लिया जाएगा और जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा कि पुरानी क्या रंजिश थी। लेकिन इसके अंदर देखने वाली बात यह कि जो पुरानी रंजिश थी उसके अंदर इसने जो साफ सुथरे उसके बाइक की हत्या करती और हत्या में काम में ली गई बाइक और हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे झुंझुनू संवाददाता सुजीत शर्मा, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से पुलिस पूछताछ में जुटी है। वारदात में काम में ली गई हथियारों को भी बरामद कर लिया गया है।